सिवान जिले के मरवा थाना क्षेत्र के बमनौली पंचायत के बमनौली गांव में डीलर को कालाबाजारी करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद बमनौली चट्टे स्थित अशोक ग्राम डीलर के राशन के दुकान पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं डीलर द्वारा कालाबाजारी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह 5 बजे ठेला गाड़ी पर गेहूं और चावल के बोरा को लादकर बेचने के लिए कहीं पर भेजा जा रहा था। तभी सुबह में टहलते हुए कुछ ग्रामीणों ने ठेला गाड़ी पर अनाज को ले जाते समय देख लिया। हालांकि सुबह घने कोहरे का फायदा उठाते हुए ठेला गाड़ी पर रखे गेहूं और चावल के बोरा को चालक लेकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डीलर अशोक राम द्वारा राशन की कालाबाजारी को लेकर सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। राशन दुकान के ग्राहक आरोप लगाते हुए बताए कि समय से हम लोगों को राशन नहीं मिलता है और हम लोगों का 2 माह से राशन बकाया है, जिससे हम लोग काफी परेशान है। डीलर अशोक राम लगातार 4 से 5 दिनों से यहां पर राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। राशन की कालाबाजारी करते स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने पर मैरवा गुटनी मुख्य मार्ग स्थित बमनौली चट्टी पर सड़क जाम कर घंटों देर तक डीलर के खिलाफ नारेबाजी होती रही। अभी आप लोग क्यों यहाँ पर एकजुट हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग देखे सुबह में टहलने निकले थे 5 बजे करीब में, एक ये मोटरसाइकिल और ठेला था, उस पर राशन लोड हो रहा था। हम लोग उधर चाय पीने गए तो 2-4 आदमी कह रहे कि भाई यहाँ तो राशन लोड हो रहा है, तो लोग आ गए यहाँ पर पकड़े तो मोटरसाइकिल वो आदमी पकड़ा गया। आदमी भीड़ भाड़ा का हुआ था, तो आदमी जो साइड से निकल गया उसका मोटरसाइकिल यहाँ पर जब्त है और वो भाग गया। कौन सा गाड़ी है वो? स्प्लेंडर हीरो होंडा पैशन प्रो है। कितना पूरा चावल गेहूँ पकड़ा गया है अभी हम नहीं देखे, रात में हम लोग ठेला पर लोड हो रहा था, हम उधर गए चाय पीने, 2-4 आदमी लोग बातचीत कर रहे थे, 2-4 आदमी यहाँ पर आए, मौके पर पकड़ा गया, उसको पकड़ हम लोग लाए थे इस चाय के दुकान पे रोड पे, 5-6 दिन से चल रहा है। उसके बाद से ना भीड़ भड़ाका हुआ, आप लोग पूछा जब हम कर रहे थे आए थे डीलर यहाँ पे, डीलर के पास जिसका गोदाम है उसके पास हम लोग आए थे, बोले कि हाँ राशन यहाँ से ठेला पर लोड होकर के गया है। सरपंच जी आप आके पूछे पूछताछ किए, सरपंच जी देर में भाग गया, भाग गया। डीलर ने फोन किया, अभी आ रहा है कि बीते 4-5 दिनों से यहाँ पर राशन के कालाबाजारी भी किया जा रहा है डीलर के द्वारा। हो रहा है तभी ना हम लोग ये बताइए, इतना कड़ाके की ठंड है, मौसम है, शीतलहर है और 5 बजे भोर में अचानक लोड होकर क्यों गया? ये को भी जो भी जो है राशन की दुकान 8 बजे नियम तक खुलती है, सुबह 8 बजे, गर्मी के दिन में 8 बजे और जाड़े के दिन में 10 बजे। क्या मांग करिएगा प्रशासन से? क्या मांग किया जाएगा, राशन एक महीना से मिल नहीं रहा है गरीबों का, राशन हो क्या रहा है? आज हम लोग देखे मौके पर राशन जो ठेला पर लोड होकर के पार्सल हो रहा है। कितना महीना से आप लोग का राशन नहीं मिला हुआ? दिसंबर का भी मिला नहीं है, जनवरी चल रहा है। हम आए ना यहाँ पे तो पता चला है कि ठेला पे लाद के राशन गया है, लगभग 15 बोरा। वो मकान मालिक बोले हैं? पता है, तो हम आए मकान मालिक से पूछे हैं तो बोले हैं कि हाँ सही 15 बोरा लाद के यहाँ से गया हुआ है। और उसके बाद हम पकड़े वो जो ले जा रहा था उसको पकड़े और मोटरसाइकिल जब्त किए हैं और भीड़ देखते हुए भाग गया हुआ गाड़ी है। यह मामला है रात का, लेकिन अभी सुबह में लोग यहाँ पर भीड़ क्यों लगा हुआ है? वो डीलर का बेच रहा था। अच्छा, क्या मांग करिएगा प्रशासन से? अरे तो इनका पहले तो रद्द हो निकाय थी लाइसेंस, दिसंबर नहीं मिला है किसी को, दिसंबर नहीं मिला है, जनवरी भी नहीं मिला है, बिकाता कहाँ से है भाई? क्या कह रहे हैं? देखिए हम मुझसे 2 दिन पहले पूछे थे कि भाई थोड़ा गेहूँ हमको भी दीजिए, बोले गेहूँ आ ही नहीं रहा है, तो गेहूँ बिका कहाँ से रहा है? और सबसे बड़ी गवाही क्या इसमें लोगों की क्या जोड़ता है? जिस गोदाम में रखे हैं वही कहते हैं कि गोहम बिकाता है डेली यहाँ से, इससे बड़ी कौन सा गवाह चाहिए? जिस मकान में हम रह रहे हैं वही कहते हैं कि चोर है, तो इसके बारे विशेष बड़ी गवाह क्या चाहिए सरकार को? सरकार के द्वारा चावल ज्यादा दिया जा रहा है, गेहूँ को कम गेहूँ आ ही नहीं रहा, इसमें गेहूँ आ ही नहीं रहा है, दिया कहाँ जाए सबका? कहाँ से मिल रहा है? 5 किलो हर एक व्यक्ति पे है, तो क्या मांग करिएगा प्रशासन से? 5 किलो मिलता है, प्रशासन मांग करेंगे इनको लाइसेंस रद्द किया जाए, नहीं तो गेहूँ पब्लिक को मिलना चाहिए, सरकार का नियम है उसको पब्लिक को मिलना चाहिए ना।
कितने दिनों से राशन आप लोगों को नहीं मिला? दो महीने से गेहूँ लोगों को नहीं मिल रहा है परसेंट में। इसके पहले बहुत बार बिकाया नहीं बिकाया इसको, तो मैंने सब जानते हैं। चावल मिल रहा है दो महीने से? चावल भी नहीं मिला, चावल भी नहीं, कुछ नहीं मिला, चावल भी नहीं मिला है दो महीने से, राशन नहीं मिला है। तो राशन गेहूँ चावल कहेंगे मिलेगा सरकार? नहीं बताइए करेगी तैयारियाँ, बहुत हंगामे हो सकता है। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग पकड़े हुए हैं, क्या प्रशासन से मांग करिएगा आप लोग? हम यही कहेंगे तो डीलर को इसको हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्यों हटाना चाहिए? रद्द कर देना चाहिए। क्यों रद्द करना चाहिए? ये राशन उठाना आते हैं तो इतनी का नाम है, गेहूँ नहीं देता है, चावल देता है, कहते हैं गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो गेहूँ नहीं मिल रहा है तो गेहूँ बेच रहा है कहाँ से? अपना नाम बताइए। भोला प्रसाद।